आज मैं इस वीडियो में आपको समवस्त्र के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां आपको बताने जा रहा हूं जिन्हें जानने के बाद आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यह सवाल हर किसी के मन में जरूर उठते हैं। समवस्त्र का अर्थ क्या है? समवस्त्र यानी पूर्ण वर्ष। शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस दिन सृष्टि और लोकों का सृजन किया था। इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्यावतार भी हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। अब आप यह भी जान लीजिए कि एक संवत्सर कितना होता है। प्राचीन पाठ सूर्य सिद्धांत में एक संवत्सर की गणना लगभग 361 दिनों की होती है, जो एक सौर वर्ष से थोड़ा सा कम है। इसलिए राशि चक्र के सभी 12 राशियों के माध्यम से बृहस्पति की एक पूर्ण परिक्रमा लगभग 12 सौर वर्षों में होगी। देवगुरु बृहस्पति की ऐसी 5 परिक्रमाएं अर्थात 12 × 5 = 60 यानी कि 60 संवत्सर को एक संवत्सर चक्र कहा जाता है। भारतीय समाज में अनेक प्रचलित संवत हैं। मुख्य रूप से अभी 2 चल रहे हैं, प्रथम विक्रम संवत और दूसरा शक संवत। विक्रम संवत ईसाई संवत से 57 वर्ष आगे चल रहा है, अर्थात अगर अभी ईसाइयों का संवत 2023 चल रहा है तो विक्रम संवत 2080 चल रहा है। अगर नव संवत के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत शकिर महाराज विक्रमादित्य ने की। ब्रह्म पुराण में मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि बनी, इसलिए यही वह दिन है जब से भारतवर्ष की काल गणना की जाती है। हेमाद्री के ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की थी। इस संवत्सर का आरंभ विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसे विक्रम संवत भी बोला जाता है। अगर हम शक संवत और विक्रम संवत में अंतर की बात करें तो शक संवत को सरकारी रूप से अपनाने के पीछे यह वजह दी जाती है कि यह प्राचीन लेखों और शिल्प लेखों में भी इसका वर्णन देखा गया है। इसके अलावा यह विक्रम संवत के बाद शुरू हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर से यह 78 वर्ष पीछे है, यानी कि अभी वर्ष 2024 चल रहा है, तो इससे हम 78 वर्ष माइनस करेंगे तो यह 1946 आएगा, यानी कि अभी शक संवत 1946 चल रहा है। तो इस प्रकार से हम शक संवत को भी जान सकते हैं। जो भी आपका ईस्वी सन चल रहा है उससे 78 वर्ष पीछे शक संवत होता है। तो यह संवत्सर के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।